हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो इसी का जो प्रश्नावली है, यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 6.1, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 6.1, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बेसिकली बात क्या करना है कि सर्वांगसमता, ठीक है, सर्वांगसम या फिर समरूपता, यही दो चीज़ है जिसके बेस पर ये वाला पूरा का पूरा प्रश्नावली आपका डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है, तो एकदम से ईजिली आप इस प्रश्नावली को हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्वांगसम और समरूप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सर्वांगसम और समरूप का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्वांगसम क्या कहता है। सर्वांगसम कहता है कि अगर कोई भी आकृति, ठीक है, कोई भी दो आकृति एक दूसरे के बिल्कुल अगर बराबर है तो वो हो जाएगा सर्वांगसम, ठीक है। सिंपल मतलब यही है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई वृत्त है, ठीक है, ये इतना बड़ा वृत्त है, ठीक है। अब इतना ही बड़ा एक और वृत्त है, ठीक। अब मान लीजिए कि इस वृत्त को उठा करके, ठीक है ना, और हमने इसके ऊपर रखा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला वृत्त एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तब हम कहेंगे कि वृत्त ए वृत्त बी के सर्वांगसम है, ठीक है। तो सर्वांगसम यही कहता है कि अगर कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में सर्वांगसम है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, बस ये होता है सर्वांगसम, ठीक। समरूप क्या कहता है। समरूप कहता है कि मान लेते हैं कि ये कोई भी दो आकृति, ठीक है, एक दूसरे के बस जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस समरूप यही कहता है कि बस एक दूसरे की तरह बस दिख रहे हैं तो वो आपका समरूप हो जाएगा। मतलब कि एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा वृत्त है, तो दोनों क्या है, एक छोटा सा वृत्त है, मान लेते हैं कि ए, ठीक है, और बी क्या है, एक बड़ा सा वृत्त है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक वृत्त ही हैं, ठीक है, दोनों एक जैसा ही दिख रहे हैं, छोटा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। सर्वांगसम का सिंबल इस तरीके से रहता है, ठीक है, समरूप का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये चीज़ होता है। तो समरूप क्या कहता है, समरूप यही सिंपल कहता है कि एक दूसरे के जैसा दिखना चाहिए, बड़ा हो छोटा उसे कोई मतलब नहीं है, ये आपका समरूप हो जाएगा। सर्वांगसम कहता है कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तभी ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। बस इतना अगर क्लियर है तो अब देखिए प्रश्नावली को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 6.1, ठीक है। इसमें कहता है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ भरा जाएगा, कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, ठीक है, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। अब देखिए, सभी के सभी जो वृत्त, चाहे जितना भी वृत्त हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सभी के सभी वृत्त समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए, वृत्त हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं, ये भी एक वृत्त है, ठीक है। मतलब कि वृत्त को हम छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये आपका सर्वांगसम तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सभी सभी वृत्त हम क्या बनाएंगे, कभी छोटा बनाएंगे, कभी जरूरत पड़ेगा तो बड़ा बनाएंगे, तो इसलिए सर्वांगसम ये आपका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन समरूप कहता है कि एक जैसा दिखना चाहिए, तो छोटा बनाइए तो भी इसी तरीके से बनाएंगे, बड़ा बनाइए तो भी इसी तरीके से बनाएंगे, मतलब कि एक जैसा दिखेगा, तो इसलिए समरूप हो सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहे कि सभी वर्ग होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो वर्ग कैसा बनता है, तो वर्ग ऐसा आकृति जिसकी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये आपका वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग पर भी सेम यही वाला कंडीशन काम करेगा, वर्ग हम इतना छोटा भी बना सकते हैं, वर्ग हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, ये सभी सभी बस इसका भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो वर्ग हमारा ये इतना छोटा भी बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, तो अगर इस ये क्या है, छोटा बड़ा है, तब तो ये सर्वांगसम तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम कहता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप हो सकता है, क्योंकि चाहे जितना छोटा बनाइए या फिर चाहे जितना बड़ा बनाइए, ये दिखेगा एक ही जैसे, ठीक, तो ये समरूप हो जाएगा, यही आपका सही है। उसके बाद से थर्ड नंबर में कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, सभी के सभी त्रिभुज कब समरूप होते हैं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये आपका समरूप होगा, या फिर समबाहु त्रिभुज है तो ये आपका समरूप होगा। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज को हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज को हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये
और ये, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज इसमें क्या कहना है, इसमें से ये वाला या फिर ये वाला कौन इसमें से समरूप होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमने ये वाला एक बनाया है और ये वाला बनाया है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, समद्विबाहु आपका समरूप नहीं हो सकता है। अब बात आती है समबाहु का। तो देखिए समबाहु को, समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। तो मान लेते हैं एक छोटा सा ये त्रिभुज है ये वाला, और एक बड़ा सा त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। सभी के सब, इसके भी ये वाला भी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसके भी ये सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो छोटा बनाइए या फिर बड़ा, दिखेंगे एक ही जैसे, ठीक है, कुछ इस तरीके का नहीं दिखेगा। इसलिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ये आपका समरूप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर एक का, ये लास्ट वाला। इसमें कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है, यदि इनके संगत कोण, उसके बाद से डॉट डॉट है, हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो, ठीक है, बराबर और समानुपाती, यही दोनों इसमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, यही चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कि दो बहुभुज समरूप कब हो सकते हैं, ठीक। दो बहुभुज, बहुभुज मतलब कि जिनकी तमाम भुजाएं हो, ठीक है। तीन भुजा वाले को त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा वाले को चतुर्भुज, और पांच भुजा वाले को यही आपका बहुभुज में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमने एक बहुभुज बना लिया कुछ इस तरीके से, और चलिए इसको मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक। अब इसके बाद से एक और हम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया, और ये और ये और ये, इस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, दोनों की भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। ये वाला भुजा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भुजाएं इस इन दोनों में बराबर है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि भुजाओं की संख्या, ठीक है, समान संख्या है, ठीक है, दोनों के जो भुजाएं हैं ये इनकी संख्या क्या है, समान है। दो बहुभुज जो समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है कि दो बहुभुज ये कब समरूप होगा, ठीक है। तो देखिए समरूप होने के लिए सबसे पहले तो इसमें अगर 6 भुजा है, इसमें भी 6 भुजा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कि इसमें ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कह रहे हैं कि संगत कोण, ठीक है, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाले में आपका रहेगा बराबर, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, और उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, भुजाओं संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। समानुपाती का मतलब कि जैसे कि ये और ये, जैसे मान लेते हैं इसका 4 है और इसका 8 है, ठीक। तो इन दोनों का अनुपात इस तरीके से हो जाएगा, 4/8, इसको जब काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, ये इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका भी होना चाहिए, मान लेते हैं 3 है, इसका मान लेते हैं 6 है, अब इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6, अब इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, सभी के सभी जो भुजाओं का ये अनुपात, यही वाला अनुपात है, ठीक है। तो अनुपात क्या है, आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है समानुपाती, इनके जो अनुपात है ये समान है, तो ये आपका यहाँ पर समानुपाती रहेगा, यहाँ पर बराबर रहेगा। और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है, समरूप आकृति का दो उदाहरण बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, ए नंबर में तो समरूप मतलब कि देखने में एक जैसा हो, बड़ा छोटा सा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक और ये बड़ा सा बना दिया, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण में वही वर्ग बना दीजिए, ये छोटा सा वर्ग और यहाँ पर आपका एक बड़ा सा वर्ग बन जाएगा, ये आपका दो उदाहरण हो गया। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो ठीक है, तो इसके लिए एक में हम बता देते हैं कि ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज वाला, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या है, दोनों आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्या है, ये समरूप नहीं है। दूसरा हम बता देते हैं, तो एक मान लेते हैं कि वर्ग, ठीक है, और एक आयत ले लीजिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के
बराबर नहीं है, बस यही आपका, या और ये एक दूसरे के देखने में भी क्या है, असमान है, तो ये आपका हो जाएगा समरूप नहीं है। ठीक है, करें नहीं ऐसे हैं कृत्य जो समरूप नहीं है, तो यही दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ पहचानेंगे कैसे, तो समरूप के लिए हमने आपको बताया था कि दो आकृतियाँ देखने में अगर एक जैसी हैं तो ये आपका समरूप होगा। ठीक है, तो इसका देखिए, तो इसमें भी ये सभी सभी भुजाएँ आपस में बराबर है। ठीक है, और इसमें भुजाएँ बराबर है, लेकिन इनकी जो देखने में इनकी जो आकृति है इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, ये नहीं, ये समरूप नहीं है, बस यही आपका। तो इस तरीके से आपको जो प्रश्नावली 6.1 ये आपका समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर